क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, मतलब वहां पर जो छात्र रहते हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई बंगाली, एक ही छात्रावास में रहने वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी है 72 विद्यार्थी। हमें क्या करना है, इसका बनाना है पाई चार्ट। पहले हमें लिखना है भाषा और विद्यार्थी, दो हमारे पास दिया हुआ है, उसको हमें यहाँ लिखना है। टोटल 5 है भाषाएं, पहली भाषा है आपके हिंदी भाषा, दूसरा है अंग्रेजी, तो यहाँ अंग्रेजी थोड़ा दूर ले लेते हैं, अंग्रेजी, तीसरा है मराठी, तो यहाँ लेते हैं मराठी, मराठी के बाद में तमिल और बंगाली, हमें यहाँ पर लेना है तमिल और बंगाली, जो जो है हमें लेना है। तो कितने कितने देर गए आपके, 40, 12, 9, 7, 4, और कुल हो गए भी आपके 72, कुल हमने यहाँ पर ले लिया। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको भाग और केंद्रीय कोण, ये दो चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात करते हैं, देखो इसके नीचे इसका नाम लिखना आपको, तो हमें क्या करना है 40/72, इसके नीचे इसका नाम लिखना है 12/72, इसके नीचे इसका 9/72, इसके नीचे इसका नाम लिखो 7/72, इसके नीचे इसका नाम लिखो 4/72। अब कटते हो तो काट भी सकते हो, ये दोनों ही नंबर 8 की टेबल में आते हैं, 8 की टेबल में 5 बार, 8 की टेबल में 9 बार, 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, ये दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, ये दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका यही रहेगा 7/72 का 7/72 ही रहेगा। और यहाँ पर ये दोनों 4 की टेबल से कटते हैं, 4 × 4 = 4, 18 × 4 = 72, कैसे छोटा कर सकते हो नंबर को। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनको वापस लिखेंगे, 5/9, 1/6, 1/8, 7/72, 1/18, इन सबको हम क्या करेंगे एक वर्त में बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 360 डिग्री का कोण। अब यही 360 डिग्री हमें यहाँ सब जगह लिखना है, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे, हल निकालेंगे सबका, हल करते हैं। अगर आपको हल करने में दिक्कत आ रही है, सिंपल देखो, अगर मैं इसको इससे, अगर मैं 72 को 5 से गुणा करता हूँ तो आता है 360 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ आने में मुझे 5 से गुणा करना पड़ा। आप ट्राई कर लेना गुणा करके, अगर आता है तो, इसको 5 से गुणा करने पर ये आता है, तो इन सबको भी 5 से गुणा कर लो, जैसे 40 × 5 200 डिग्री, 12 × 5 60 डिग्री, 9 × 5 45 डिग्री, 7 × 5 35 डिग्री, 4 × 5 20 डिग्री, ऐसे हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कोण ज्ञात, या फिर काट दो, काटना तो काट दो, नहीं तो क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करने पर ये आ रहा है, इन सबको भी 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर आपके उत्तर आ जाए। अब हमें बनाना है पाई चार्ट, बनाना है इन कोण का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोई केंद्र बनाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर से हम एक वर्त बनाएंगे, तो ये बनाते हैं हम वर्त, ज्यादा काट चाट नहीं करना है, ज्यादा मिलाने से नंबर आने वाले नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे, ये अब हमें ये कोण बनाने, अगर आपको लगता है कि 200 डिग्री चांदे में है ही नहीं, इसको बनाओ मत, इनको बना लो, ये लास्ट में बचेगा, ऑटोमेटिक बच जाएगा। सबसे पहले है आपके 60 डिग्री, हमें क्या करना है, इनको बना लो, ये ऑटोमेटिक पीछे बच जाएगा, तो 60 डिग्री कहाँ पर आता है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन को ऐसे मिलाना है, इस पॉइंट को यहाँ रखना है, फिर हमें यहाँ पर 60 डिग्री ऐसे मिलाना है।
60 डिग्री मिला हो ऐसे, ये आएगा भी आपके 60 डिग्री, 60 के बाद है 45, तो क्या करेंगे इसको ऐसे यहां रखने वाले हम 45 डिग्री, 45 कहाँ आता है, 40 और 50 के बीच में आता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे मिला लेंगे, इतना टेंशन नहीं लेना है कि 45 बन गया 44 बन गया, बस काट छाट ज़्यादा नहीं करनी है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब आप अगर 60 की जगह 62 भी बना दे हो, 65 बनाते हो, कोई नहीं देखने वाला, कोई नापने वाला नहीं, बस काट छाट मत करना। जितनी ज़्यादा काट छाट करोगे नंबर आपके कट जाएंगे। फिर है 35 डिग्री, हम क्या करेंगे इसको यहाँ रखेंगे और सेंटर पर हमेशा इसको रखना, अभी ये लाइन मिलना चाहिए और सेंटर पर ये होना चाहिए। अब 35 डिग्री कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में, यहाँ ये होगा आपके 35 डिग्री, ये 45 डिग्री होना चाहिए, ये आपके 35 डिग्री एक्यूरेट बनाना है भाई। ये हो गया अभी आपके 35 डिग्री, अगला है 20 डिग्री। 20 डिग्री हम क्या करेंगे यहां से बनाएंगे, बीस डिग्री होता है यहाँ पर, और बाकी बचेगा वो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा आपके 200 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो है वो हो जाएगा आपके 20 डिग्री, और जो बाकी बच गया वो पूरा हो जाएगा आपके 200 डिग्री। अब तो लिख सकते हो कि कौन कौन सी भाषा है, जैसे हिंदी अंग्रेजी लिखा हुआ है वो पहले यहाँ पर ही अंग्रेजी है, अंग्रेजी के बाद है आपके मराठी, मराठी के बाद है तमिल, तमिल के बाद है बंगाली, बंगाली के बाद है आपके हिंदी, और ये है आपका पाई चार्ट। एग्जाम आता है 5 नंबर का, तो आपको आना चाहिए ग्राफ या फिर पाई चार्ट, जो अच्छा लगे वो बना देना आपको।